नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में, जिसे आप देखते हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 किशोर मंच पर, और साथ ही साथ इसे आप देखते हैं लाइव एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। हम एक बार फिर एक नए विषय के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। आज का हमारा विषय है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी विशेषज्ञ मिस दीपमाला फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और विषय के बारे में तो मैंने बताया लेकिन विस्तार पूर्वक इसके विषय पर आप बताएंगी हमें कि क्या है ये। शालिनी, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक। ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टमेंट की बात तो हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, मेरे ख्याल से सबने इसके बारे में सुना है और इंटरचेंजेबली हम सब पढ़ रहे होते हैं इसको कहीं ना कहीं। कभी फिजिकल डेवलपमेंट साइंस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम पढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही सिर्फ जरिया है कि हम फिजिकल डेवलपमेंट में ही देख सकते हैं, ये काफी सारी चीजों से मिलजुल कर बनता है। अगर हम प्रॉपर एक ब्रॉड टर्म की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जो कि बचपन से शुरू हो जाती है, द मूवमेंट, और आप कह सकते हैं पैदा होने से पहले भी शुरू हो जाती है एक बच्चे की, और कंसेप्शन के टाइम से टिल डेथ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हैपनिंग देयर। जी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मैंने कई बार सुना है कि लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट को ग्रोथ से जोड़कर देख लेते हैं, क्या दोनों टर्म काफी अलग हैं? जहां तक मुझे लगता है अलग हैं, आपका क्या कहना है? अलग तो हम नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ आता है। आपने ठीक कहा, कई बार लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिनोनिमसली यूज करते हैं, बट दे आर नॉट सेम, दे आर नेवर बीन सेम। क्योंकि अगर आप बात करेंगे, हम अपनी ही बात करेंगे, तो आई एम नॉट ग्रोइंग एट दिस एज, आई एम मैच्योरिंग। तो एक एज के बाद आप मैच्योर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स ग्रोथ एज वेल एज मैच्योरेशन। हम बच्चों को बोलते हैं दे आर ग्रोइंग, राइट? तो कंसेप्शन के बाद तक एक पर्टिकुलर एज पर हम कहते हैं कि दे आर ग्रोइंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर माइलस्टोन्स बनाए हुए हैं डेवलपमेंट के, जिनमें हम कहते हैं कि ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन स्टार्ट्स। जैसे कि हम इस स्लाइड में देखेंगे, जी, हम अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक होती है प्रीनेटल स्टेज, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उस स्टेज को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, जिसकी हम बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वहीं से ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। देन इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, अर्ली एडल्टहुड, इस टाइम पे एक इंसान ग्रो कर रहा है। लेकिन उसके बाद मिडल एज एंड ओल्ड एज में we are maturing, we are moving towards self-exploration, growth हम कर रहे हैं, लेकिन we are exploring the concepts of ourself, what is this world is about, right? बहुत कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही। इनफैक्ट फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो हम डिक्लाइनिंग स्टेज में आने लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, तो उस टाइम पे ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एज वेल एज मैच्योरेशन। जी, सो अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को जाना, अभी हम दो टर्म की यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट। सो डेवलपमेंट को पहले आप बताइए कि उसको कैसे समझें आसान शब्दों में, अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें तो। आसान शब्दों में तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है और इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं जिसकी बात की गई है, लोगों ने अपने अपने तरीके से इस डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की है। फिजिकल डेवलपमेंट इज समथिंग जिसके लिए साइंस में, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर माइलस्टोन की जैसे मैंने बात की थी, प्रीनेटल, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, जिसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बच्चा 4 साल का या 5 साल के बच्चे की इतनी हाइट, इतना वेट, इतना ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इस लेवल की होनी चाहिए, सोशल ग्रोथ की वो इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है, तो पर्टिकुलर पैरामीटर्स है। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकली, आज हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज्यादा बात करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो बात होती है, देयर आर डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स टू पर्टिकुलर स्टेज, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए, एक तो वो फिक्स एंटिटी नहीं है, वो डिपेंड, कई बार चेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होते हैं, हम फैक्टर्स की भी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा अलग अलग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने उनको समझने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थ्योरीज का इस स्लाइड के थ्रू देखते हैं, तो ये सारी थ्योरीज एक कॉमन बात ये कहती है कि हर, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट में अभी हमने बात की, कि हर स्टेज की
हर एज की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि स्पेसिफिक एडजस्टमेंट आपको चाहिए, लेकिन हर थ्योरी ने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की है। जैसे कि आप पहली पियाजे थ्योरी, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम बड़ा कंसर्न होते हैं बच्चों को लेकर कि वो इंटेलेक्चुअली आजकल पढ़ाई के लिए, हम बच्चों के कॉम्पिटिशन वाले एरा में सर्वाइव करने के लिए उसकी कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर काफी वरीड रहते हैं कि क्या वो सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या हमें लगता है कि हमारा बच्चा औरों के हिसाब से नहीं तो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे पियाजे, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेजेस लिए थे, दे वर फोर स्टेजेस इनटू दैट। सबसे अगर आप इस स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने कहा कि छोटा बच्चा जो होता है वो वर्ल्ड को समझता है, कैसे समझता है, आपने देखा होगा हर चीज मुंह में डालता है, एंड वी आर वेरी कंसर्न अबाउट, क्योंकि वो अपनी हर चीज को टेस्ट के सेंसेस के थ्रू देखकर, सुनकर और टेस्ट कर इन सब चीजों से समझ रहा है, लेकिन वो अपने इंटेलेक्ट का यूज नहीं कर पा रहा, उस पर लॉजिक नहीं है इस एज में। इस तरह से अगली स्टेज में वो स्टार्ट करता है उन लॉजिक का, सिंबॉलिक थिंकिंग। अब खेलते हैं ना बच्चे का पीकाबू, बच्चे को शुरू में लगता है सामने से चीज है, अब गई तो नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, चिड़िया ले गई उसको हम बोल देते हैं, लेकिन फिर एक अगली स्टेज में आता है जिसमें उसे समझ आने लगता है कि अगर ये चीज मेरे सामने नहीं है लेकिन इवन देन इट इज एग्जिस्टिंग। तो इसकी एक स्टार्टिंग है थिंकिंग की, राइट, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भी स्टार्टिंग है, राइट। यहाँ पे बच्चा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी भी नहीं है, सेकंड स्टेज पे भी नहीं है, थर्ड स्टेज पे जाके जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझने पड़ता है। तभी अभी आप छोटे बच्चे का आपका जो सिलेबस भी हम दिया जाता है ना, उसको पहले लाइनें खींचने दिखाते हैं, 1+1 सिखाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा उस टाइम पे वो क्यों नहीं कर पाएगा, हमने कभी सिखाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, बिल्कुल उसे नहीं समझ में आएगा कि 1 अगर कैरी ओवर है तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस स्टेज के अकॉर्डिंगली वो अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। इसी तरह एक हम साइको सोशल की मैंने पीछे बात की थी कि हम, चलो ये तो हो गया हमारे इंटेलेक्ट की, पर एक बच्चा सोशली कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, उसके लिए एरिक्सन ने अपनी थ्योरी दी, जिसमें कि उन्होंने बात की, आप स्लाइड से देखेंगे कि हर स्टेज की उसने भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, पर उसने कहा पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंगली बच्चा कुछ स्पेसिफिक सोशल, जो बोलते हैं ना सोशल स्किल्स, एक होता है ट्रस्ट, कुछ बच्चा, और ये सारे जो स्किल्स हैं ये सारे उसके लेटर ऑन पर्सनालिटी को डेवलप डिटरमिन करते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट, और कुछ लोगों में शेम गिल्ट की भावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह उन्होंने हर एक स्टेज की बात की थी, 8 स्टेजेस की बात की थी, कि अगर वो स्टेज पर्टिकुलर लेवल पे ठीक से नहीं अगर रिजॉल्व कर पाएंगे तो उस स्टेज पर अगली स्टेज पर सक्सेसफुली नहीं बढ़ पाएंगे। और रीजन है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट होता है, मुझे लगता है इसे माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। इसका डेफिनेटली माहौल का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे, यहाँ पर 3-6 ईयर में बच्चा इनिशिएटिव स्टेज में अगर है, उसे मजा आता है कि मैं एक्सप्लोर करके देखूं, और पेरेंट्स हम देखते हैं जनरली भी स्नब तक रुकते हैं, हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर उसको वो एनवायरमेंट नहीं दिया जा रहा है तो दैट विल क्रिएट एन पर्सनालिटी ऑफ गिल्ट। बच्चा वो इंसान जिंदगी भर गिल्ट वाली भावना से ज्यादा उस पर हावी होता है, ऐसा थ्योरी कहती है, रादर देन आप देखते हैं कुछ लोग जल्दी से करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, आई विल ट्राई, पर कुछ को लगता है हमेशा कि रोक देगा, पर वो इस चीज को तो समझ ही नहीं पाते, हम उस एज में बच्चे ना तो ये समझ पाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। अगर हम ये बोलते हैं ना बच्चे को रुक जाओ मत करो, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैं हमेशा, यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो अगर आप इन डेवलपमेंट की स्टेजेस को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली यू आर हैम्परिंग सो मच ऑन देयर पर्सनैलिटी ना, कि वो लेटर ऑन, ऐसा नहीं है कि उस स्टेज में ही उसको दिक्कत दे रही है, लेटर ऑन लाइफ पर्सनैलिटी बहुत मुश्किल होगी इस चीज को लेकर। इसी तरह कुछ और थ्योरीज की बात की गई है, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस जिसको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, आप स्लाइड्स देखेंगे अगर, तो देयर आर फ्रॉडियन, ये सबसे ज्यादा साइकोडायनामिक थ्योरीज आर मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी, क्योंकि इनका कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, दे आर मियरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, देयर आर सो मेनी थ्योरीज आप देखेंगे, तो उनके अलग अलग अप्रोच रही है इंसान को समझने की। तो डेवलपमेंट सिर्फ एक ही टर्म में नहीं है कि आपका इंटेलेक्ट इस तरह से है तो आपकी, आप देखेंगे भी
जरूरी नहीं है कि इंसान इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट होता है पर वो सोशली इतना अच्छा नहीं कर पाता, राइट। वो सोशली भी बहुत अच्छा कर पा रहा है लेकिन वो रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं कर पाता। दैट इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि हमारा कल्चर जो है उस स्टेज पर आकर जनरली ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो अगर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन नहीं है तो दैट इज डेफिनेटली हैम्पर अ पर्सन ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी। चलिए मैं इस इंटरेस्टिंग सफर को और आगे बढ़ाती हूँ। एडजस्टमेंट हमारे जो दूसरे टर्म की हम बात करेंगे उसके लिए आपका क्या कहना है, वो क्या है पहले तो वो हमें बताइए और फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट कोई साइकोलॉजी के टर्म में अगर हम बात करें, एडजस्टमेंट कोई एक छोटा सा टर्म नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि टुडे आई एम एडजस्टेड, आई एम अ वेल एडजस्टेड पर्सन, तो दैट मीन I am adjusted person. Mm-hmm. I may be a well adjusted person today, but I may not be well adjusted into some other scenario. Mm-hmm. Right? तो एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टर्म है कि ये है और ये आपके पास है तो आप एडजस्टेड हैं. It's a continuous process that requires at all the level you need to adapt yourself into that environment. Right, this right. is adjustment is. चाहे वो एडजस्टमेंट आज आपका यहाँ पर क्लासरूम में हो या आपके घर पर हो या कहीं हो रहा हो, तो adaptation into some environment is called adjustment. जी तो कितने तरह के एडजस्टमेंट है अगर हम मुझे समझने की कोशिश करें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर examples देखें तो कैसे आप उन्हें बताएंगे? यार उसके लिए तो देर आर अनलिमिटेड, हमने जैसे बात की थी अभी सोशल एडजस्टमेंट यहाँ पर होते हैं, आप कॉग्निटिवली आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो एडजस्टमेंट जितनी अप्रोचेस है यहाँ पर उतने ही तरह के एडजस्टमेंट भी, आप सेल्फ से भी तो एडजस्ट करते हैं कई बार, राइट। आई वॉन्ट टू बी समथिंग राइट बट आई एम ट्राइंग डूइंग समथिंग एल्स, दैट इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट विद माई सेल्फ, राइट राइट राइट। अब हम चलिए बात करते हैं जब बच्चों की बात हो रही है तो किशोर किशोरियों की भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, उनको एडजस्ट करने में धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ अलग अलग जगह पर, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो या सोशल एनवायरमेंट में भी, उनको बहुत कई जगह मुश्किलें आती हैं। कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट की ये थ्योरी उन्हें हेल्प करती है? दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, इन फैक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉट ओनली फॉर टीचर्स बट पेरेंट्स आल्सो। एडोलेसेंट जो आपने क्वेश्चन भेजा, हमारा कल्चर थोड़ा सा ऐसा है कि उस स्टेज में हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखे गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कल्चर बट ऑल्सो द बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजी ऑल्सो। उस एज में सबसे कहले ना फास्ट, जितना 0 to 5 एज में आप बच्चे की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है, अगर आप 5 to 12 देखेंगे तो लेटेंट पीरियड हम उसे बोलते हैं, उसमें ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है, ओनली फिजिकल ग्रोथ इज हैपनिंग राइट। दूसरी तरह के सेक्सुअल ग्रोथ जिसे आप कहते हैं या सोशल ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ लेटेंट पीरियड में कम होती है, लेकिन तो उसके बाद एडोलेसेंट में ये सबसे स्ट्रांग जिसे हम कहते हैं स्पर, एक वर्ड होता है कि जंप करते हैं बच्चे, एंड उस एज में पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है एंड दे आर ट्राइंग डिफरेंट, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, चैलेंजिंग सबसे ज्यादा होता है ना, जितना मैंने कहा 0 to 5 में होता है, इस एज में भी सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखे गए हैं, बच्चे वायलेंट एक्ट्स में देखे गए हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ गड़बड़ हमने देखा गया है कि कई बार ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि पेरेंट्स बहुत वरी हो जाते हैं, टीचर्स क्या पूरा स्कूल सिस्टम बहुत वरी हो जाता है, पीछे कुछ न्यूज भी आई थी कि बच्चों ने दूसरे को एग्जाम सिस्टम से बचने के लिए किल कर दिया, मतलब थिंग्स लाइक दिस विच आर अनइमेजिनेबल, बिहेवियर जो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल बिहेवियर होता है। क्रिमिनल तो मैं नहीं बोलूंगी उसको, बट यस कि हाँ हम सोच नहीं सकते हैं जिसको एक्सीडेंट, वायलेंट बहुत ज्यादा, वायलेंस अक्सर देखा गया, एंड दैट्स आल्सो वेरी गुड थिंग यू सेड वायलेंस देखा गया, क्योंकि ये सब कहते हैं बच्चा ऐसा है, हम लेबलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चा मैल एडजस्टेड है, हम लोगों को क्यों उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग भी शायद मैल एडजस्टेड है। हम डेवलपमेंट को, मेरे को लगता है पेरेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट क्या है। एक छोटा बच्चा जब होता है ना जी, तो वो आपकी पेरेंट्स की अटेंशन बहुत सीख करता है, बिल्कुल वो हमेशा चाहता है आसपास माँ बाप रहे माँ बाप रहे, लेकिन एडोलेसेंट उससे एक्सट्रीमली अपोजिट है, बच्चा कहता है आप दूर आप पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस टाइम में बच्चा अपनी, क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर कर रहा है, वो चाहता है कि इस वक्त मैं क्या हूं, मैं ये जानना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पेरेंट्स इस दुविधा में कि ये बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर पा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हम छोटे नहीं है, हमें रोकिए मत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हर बच्चा हर एडोलेसेंट अपने आप से पूछता है कि अब मैं बड़ा हो गया या मैं छोटा ही हूं अभी, और हम लोग भी बार बार उसे अब भी एक मिनट में कहते हैं
बेटा इतना बड़ा हो गया और एक मिनट में हम उन्हें कहते हैं अभी छोटे और ऐसी हरकत कर रहे हैं. तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि एडोलेसेंट की नीड्स आर वेरी डिफरेंट देन एज इन अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ. यू कैन से दे नीड इंटीमेट रिलेशनशिप, दे नीड इंडिपेंडेंस, दे एक्सप्लोर देयर ओन सेल्फ. छोटा बच्चा जिस तरह वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था टच करके, मैंने बताया था, या खा कर टच करके मुंह में हर चीज डालता है, इस एज में बच्चा खुद को एक्सप्लोर कर रहा है. मैं क्या हूं, अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने शुरू करता है. तो उस कारण से कई बार वो कुछ गलत कर जाते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ गाइडेंस है या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग होता है जो कि उन्हें सही की जगह मिसगाइड अक्सर करता है. जी बिल्कुल. तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए कि जिनके बच्चे हैं वो डेवलपमेंट तो उनका हो ही, साथ ही साथ वो एडजस्ट भी कर पाए नए माहौल में. सबसे पहले जरूरी एक्सेप्टेंस. देखिए एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस, मैं तो इसे मानती, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, राइट. अगर आपने डेवलपमेंट आपको नहीं पता है, नहीं समझी है, आपकी नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले अपने बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए. क्योंकि जब मोमेंट यू एक्सेप्ट, आप काफी सारी गलतियों को रोक देते हैं. पर आप अगर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और उसको परेशान करना शुरू करते हैं तो वो दूसरे रूट्स ढूंढना शुरू कर देता है. बिल्कुल. तो प्लीज एक्सेप्ट करिए बच्चे को, वो क्या कर रहा है उस वक्त, उसको जानने की भी जरूरत बाद में है, पहले आप स्वीकारिए. हाँ मेरा बच्चा एग्रेसिव है, हाँ मेरा बच्चा वायलेंट है, वो आप पहले स्वीकारेंगे तभी तो समझे कि क्या रीजन भी जानने की जरूरत है कि क्यों है. वो सेकंड स्टेज आता है ना. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए बच्चे को, देन ट्राई टू फाइंड कि व्हाट. कई बार हम लोग इतने कैपेबल नहीं है, ठीक है, हर पेरेंट की साइकोलॉजी को लेकर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम देयर टीचर्स और फ्रॉम काउंसलर्स टूडे. काउंसलर फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं. अच्छा मुझे लगता है प्रोफेशनल हेल्प ली जाए इस टाइम में तो कोई बुराई नहीं है. अगर उन्हें लग रहा है उनका बच्चा इतना मैल एडजस्टेड, आप जो कह रहे हैं वायलेंस या अग्रेशन, दैट इज ओनली बिहेवियर ऑफ अ मैल एडजस्टेड चाइल्ड, दैट इज नॉट अ नॉर्मल. हमारा एक थ्योरिस्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट था रॉजर, जिसकी एज असम्पशन थी, आई रिलाई ऑन दैट, कि ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड, दे आर नॉट बैड. बट ये सारे जो आप कहते हैं ना एंजाइटी, वायलेंस, अग्रेशन, नेगेटिव फोबियाज, ये सारे एटीट्यूड ड्यू टू सिचुएशंस, ड्यू टू मैल एडजस्टेड, दिस इज अ मैल एडजस्टेड बिहेवियर, ठीक है ना. मुझे नहीं पता क्या करना, मेरी बॉडी कुछ और कह रही है, मेरी नीड्स कुछ और कह रही है, मुझे करना कुछ और कह रहा है, मैं समझ के उसको रैशनलाइज भी नहीं कर पा रही कुछ नहीं, तो That is the only emotional कुछ चेंज हो रहा होता है एक साथ. बिल्कुल. तो ये इन सब चीजों का असर पड़ता है. चलिए अभी आपने बात करी मेल एडजस्टेड चाइल्ड की, तो ये एक डिफरेंट वर्ड है हमारे दर्शकों के लिए भी, और मैं भी थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी कि क्या है वो मेल एडजस्टेड चाइल्ड. क्योंकि जैसे हमने बात की एक इंसान की ग्रोथ या डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में कुछ नीड्स होती है, बट सोशल डिमांड्स, एनवायरमेंटल डिमांड्स आर डिफरेंट, वो मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना. मैच नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमेशा तो मैच नहीं हो सकती, आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, तो हम कोप करते हैं, राइट. कोपिंग जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में, एक बहुत स्ट्रांग डिफेंस मैकेनिज्म है. तो कोपिंग जब होती है, इफ दिस इज रियलिस्टिक, आई एम डिस्टर्ब फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो मैंने अपने आप को पढ़ने में ज्यादा डाल दिया कि अच्छा घर में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैंने कोप करने का एक तरीका भागना. हाँ तो अगर वो रियलिस्टिक कोपिंग है दैट इज फाइन, पर कई बार हम उस कोपिंग की जगह डिफेंसिव कोपिंग एक हम कहते हैं, या ठीक है गलत तरीके से अगर हम कोप कर रहे हैं. डिफेंसिव कोपिंग होती है कि उसकी भी बात चलिए बाद में की जाए, पहले हम कहते हैं जो मैंने कहा गलत तरीके से क्यों करना. कुछ लोग अल्कोहल को स्विच करते हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर द किड्स, दिस इज आल्सो फॉर द एडल्ट्स. हम कोप करने के तरीके अगर गलत निकाल लें तो वही मैल एडजस्टमेंट है, दैट इज नॉट एडजस्टमेंट, उसे मैल एडजस्टमेंट कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको भी और आपके एनवायरमेंट को भी झेलना पड़ रहा है. बिल्कुल. तो दैट इज अ मैल एडजस्टमेंट, रादर इफ यू एक्सेप्ट जो मैंने कहा था और उसके बाद जानने की कोशिश करिए और कोई पॉजिटिव कोपिंग स्किल अगर अपने लिए डेवलप करते हैं. वी ऑल रिक्वायर स्ट्रेसेस, एनवायरमेंट में किसी ना किसी तरीके से आते हैं. जैसे मैंने कहा आज मैं एडजस्टेड हूँ, कल नहीं होंगी, कोई नया स्ट्रेसर होगा तो मैं किस तरह से कोप कर रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट सेज वेदर आई एम एडजस्टेड और आई एम मैल एडजस्टेड. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक बार फिर से अपने पिछले सवाल पर आना चाहती हूँ, जिसके हम बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट की. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो क्या कुछ एक फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? वेरी नाइस, यस डेफिनेटली देयर आर फैक्टर्स. क्योंकि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पेरेंट्स अधिकतर कहते हैं ना, मैंने जो कहा लेबलिंग या किसी इंसान को कहते हैं उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ही इज अग्रेसिव और शी इज अग्रेसिव, हम कोरिलेट कर देते हैं. बट मैंने कहा कि जैसे कि ये आउटकम है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं? जी
हम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी जी, हेरिडिटी सबसे पहले मैंने कहा था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली आर देयर, एनवायरमेंटल, देखिए मैं हेरिडिटी को भी कहीं पे एनवायरमेंटल बोलती हूँ क्योंकि जीन्स जो है वो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैन एंड स्लो प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग आर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, राइट। हमारा कलर जो होता है क्योंकि ठंडी जगह पे लोग गोरे देखे गए हैं, बिल्कुल, एंड ठीक है डार्कर टोन होता है क्योंकि गर्म एनवायरमेंट है, तो जीन पे भी एनवायरमेंट ने ही फर्क डाला है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, काफी स्लो होता है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। सोशल, हमारे जो आसपास का सोशल एनवायरमेंट है ये बहुत इम्पैक्ट डालता है, हमारे पीयर ग्रुप अक्सर देखा गया एडोलेसेंट की जो आप बात कर रहे थे उस टाइम पर उनको अपने आप को बुली करना एक पॉजिटिव पीयर में कई बार कंसीडर कर लिया जाता है, तो उसके इम्पैक्ट के कारण बच्चे बुलिंग बिहेवियर कई बार कर लेते हैं जो कि गलत है। तो सोशल फैक्टर्स आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखने की बहुत जरूरत है, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस ऑन द पर्सन। देन कल्चरल बिहेवियर, ये भी मैं आपसे बार बार बात करी, हमारा पे कल्चरल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। इट्स नॉट ओनली ऑन द पर्सन हु इज मैनिफेस्टिंग द बिहेवियर बट ऑल्सो ऑन द पेरेंट्स, ऑन द टीचर्स हु फर्दर एड सोशल एज अ सोशल फैक्टर। तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग हमारे पर हेल्प करते हैं, कहीं अगर हम वो उससे कॉपरेशन सीख रहे हैं, पर अगर हम उससे जेलस सीख रहे हैं या एनवीएस सीख रहे हैं या अग्रेशन सीख रहे हैं तो दैट आर नेगेटिव फैक्टर। ऑल द फैक्टर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस। जी सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, क्योंकि हम आज यहाँ पर एनसीईआरटी के मंच पर ही हैं, तो क्या एनसीईआरटी भी इस विषय को लेकर कुछ काम कर रहा है या कुछ किताबें जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जो वो पढ़ सकते हैं इस विषय को लेकर? हाँ बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट 11th क्लास की टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है उनमें भी एक चैप्टर है जिसमें कि क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन को या सभी को इनफैक्ट एक ह्यूमन डेवलपमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स और स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। देन हमारा खुद का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये काउंसलिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च फॉर फ्यू मोर कोर्सेज। तो उसमें हमारा एक बहुत मॉड्यूल है बहुत स्ट्रांग जिसमें हम बढ़ाते हैं थ्योरीज को, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट द सेम टॉपिक, क्योंकि वी बिलीव अ काउंसलर मस्ट हैव दिस नॉलेज एंड दे डेफिनेटली हैव इट। तो हमारी एनसीईआरटी में इस पर बार बार काम भी किया जा रहा है, देयर आर बुक्स ऑल्सो, देयर आर मॉड्यूल्स ऑल्सो। जी चलिए, तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे अपने सवाल पर कि हमने बात करी इस विषय की कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट, अभी पेरेंट्स के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए तो है ही, टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है अगर वो इस विषय को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो कितना उनको इसका नुकसान होता है साइकोलॉजी के टर्म में? शालिनी, टीचर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपने काफी कुछ इसके अपनी बीएड की ट्रेनिंग में काफी कुछ इसका जब थ्योरी जो मैं पियाजे की बात कर रही हूँ, एरिक्सन की बात कर रही हूँ, कोलबर्ग एक थे, वो सब पढ़ते हैं, उनको दिया जाता है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो जो मैंने फैक्टर्स की बात की है दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट वो उन्हीं के थ्रू एक नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा। मैंने अभी बताया भी था कि सोशल फैक्टर भी, टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट और दैट ब्लॉक्स द डेवलपमेंट, तो दे हैव टू चूज विच रोल दे हैव टू प्ले, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट की नॉलेज होना। जी, और किस तरह का माहौल स्कूल में होना चाहिए, न सिर्फ इस विषय की जानकारी, उन्हें माहौल भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नर्चरेंस, एक्सेप्टेंस, जो मैंने आपको कहा कि अगर आपको नॉलेज भी नहीं है ना तो एक एनवायरनमेंट जहां लव, केयर, अफेक्शन, नर्चर है, पॉजिटिव इमोशन विल लीड टू पॉजिटिव थिंग्स ओनली, राइट। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जहां बच्चे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस फील करें, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का लोग ये समझते हैं कि वी आर वैलिडेटिंग देयर नेगेटिव बिहेवियर, दैट डजंट मीन वी आर नॉट लेबलिंग देयर बिहेवियर विद देयर पर्सनैलिटी, दैट मीन्स दैट, तो यू एक्सेप्ट द चाइल्ड वट एवर ही इज, आप उनको करेक्ट कीजिए, उसका मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ बिहेवियर नहीं होता बट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस टू योर केयर्स एंड टू योर टीचर्स ऑल्सो, स्कूल सिस्टम को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट के क्या आपको लगता है कुछ चैलेंजेस भी हैं? हमने बहुत सारी चीजों की बात ऑलरेडी की भी है, लेकिन क्या कुछ और चैलेंजेस हैं जो आप हमें बताना चाहेंगी, मेन फोकस जिस पर होगा? सी, चैलेंजेस कैन बी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि हमने देखा, अगर मैं अभी फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रही थी जिसमें कि हमारा सोशल एनवायरमेंट
इम्पैक्ट करता है पर इतना नहीं. तो वो चैलेंजेस इंटरनल है या एक्सटर्नल है पहले ये देखने की जरूरत है. तो देयर आर टू काइंड ऑफ चैलेंजेस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल फैक्टर में आता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन माई बॉडी, राइट. तो मेरा फिजिकल डेवलपमेंट उससे इम्पैक्ट होगा, मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उससे बहुत इम्पैक्ट होगा, विच कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके हम अपने सारे अभी हमने बात की थी. तो दोनों ही तरह की चीजें हैं जो इम्पैक्ट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्या आपको लगता है कि इस विषय को पढ़ने के बाद किस तरह का माहौल बनता है, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या पॉजिटिव ही पड़ता है इस विषय की जानकारी के बाद या इम्प्लिकेशंस के बाद, या फिर उसका कुछ नेगेटिव असर भी होता है? आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के? बिल्कुल. इम्प्लीकेशन की बात तो इसलिए है ना, सबसे ज्यादा आपने बात की थी एडोलेसेंट एज ऐसी है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की नॉलेज पेरेंट्स और टीचर्स को जानने की बहुत जरूरत है. क्योंकि हमारे जो कल्चरल बैरियर्स है दैट फैसिलिटेट करने के बजाय ब्लॉक ज्यादा करते हैं डेवलपमेंट को. तो अगर टीचर्स को पता हो तो वो उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं. अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उसको कई बार जाने और कई बार अनजाने में भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको डेवलपमेंट की नॉलेज जरूरी है. अब जैसे कि बच्चों की बात करते हैं, आपने कहा एग्जाम्पल की बात करो, आपने एडोलेसेंट में देखा है कि हमारे कल्चर में इंटीमेट रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव, राइट. लेकिन अगर आप थ्योरी पे जाते हैं और अगर आप फ्रॉइडियन की थ्योरी देखते हैं, या हमने बात की थी जी एरिक्सन की थ्योरी भी, उसने कहा कि 12 टू 20 के में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आता है और 20 टू 40 में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. तो जिसको ये स्टेजेस में अगर स्टैग्नेशन आ गई है, अगर जो कि हमारा कल्चर जनरली करता है तो वो गलत होता है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी फर्दर स्टेजेस पर भी नहीं ग्रो कर पाएगा. जिसको हम कहते हैं कि कई बार लोग ओल्ड हो गए हैं लेकिन मैच्योर नहीं हुए, बिल्कुल राइट. हम उस चीज को रिलेट करते हैं पर्सन से, लेकिन कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. क्या हमारा रोल रहा उस पर्सन की पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करने में? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इन डेवलपमेंटल फैक्टर्स का, अदर फैक्टर्स, साइको सोशल फैक्टर्स, सेक्सुअल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इन सबका पढ़ने का बहुत जरूरी है. क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इज because of so many adjustments you have created all through your growing up years. Right, right. So, इस adjustment के बाद अगर हम बात करें कि बच्चों को खुद, हमने अभी teachers का role बताया, parents का role बताया, बच्चों को खुद से क्या ऐसा करना चाहिए कि अपने development process को smoothly वो आगे बढ़ा पाए? See, smoothly इसका answer तो मैं बाद में कर दूंगी, लेकिन आपने जो बात बोली उसके लिए मेरे को एक क्वेश्चन, एक बात लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए. बच्चों को खुद डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने पेरेंट्स और टीचर्स की बात की जी. तो अगर हम देखते हैं जो एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे बच्चे पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज के इश्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जिसके कारण उनको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं. बिल्कुल, जिम जाना शुरू कर देते हैं, जरूरत है या नहीं है? नहीं, जिम जाना इज गुड, एक्सरसाइजिंग इज गुड, बट पुअर सेल्फ इमेज जहाँ पे क्रिएट हो रही है. एक बच्ची, लड़कियां आजकल आप देखते हैं साइज जीरो, स्लिम होने के कारण अपने आप को मैल न्यूट्रिशन रखती है. वो सब क्यों हो रहा है? वो सब जानने के लिए डेवलपमेंट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. ये बात हमने शायद अभी तक नहीं की, क्योंकि जब एक एडोलेसेंट एज होती है, मैंने बताया उस टाइम में बच्चे की नीड होती है एक्सप्लोरिंग देयर ओन सेल्फ, देयर बॉडीली फंक्शंस, व्हाई इट इज हैपनिंग. अगर नहीं पता होता तो जनरली दे स्विच टू रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स अबाउट देमसेल्फ. अ ग्रोइंग बॉडी इज ग्रोइंग नॉट ओनली इन लेंथ बट ऑल्सो इन योर डायमीटर. तो लड़कियां उस चीज को नहीं समझ पाती. कई बार मेल भी आजकल नहीं, मेट्रोसेक्सुअल मेंस की बात जो हो रही है, दे ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स बींग स्लिम. लेकिन आपकी बॉडी एक 11 साल के बच्चे के जितना स्लिम नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका बॉडी इस एक्सपोनेंशियली भी बढ़ रही है. तो वो दैट इज नॉर्मल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. तो बच्चों को भी इस डेवलपमेंट के इश्यूज, नॉट ओनली फिजिकल बट अदर थिंग, एंड देयर एप्रीहेंशंस आर नॉर्मल. उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो गलत है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ माई एज. हम अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं, मैं कौन हूँ. सेम विद करियर, करियर को लेकर जो आपने हमने बात की, नहीं इसकी भी बात हम नहीं कर पाया. पेरेंट्स जनरली प्रेशराइज करते हैं आप यही करिए ये करिए, और हमारी सुन नहीं रहा. बट दैट इज अ स्टेज जिसमें बच्चा अपना रोल को ढूंढ रहा है इस वर्ल्ड में. हु एम आई, दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कीप ऑन हॉन्टिंग देम. बिल्कुल.
एट दिस एज मोस्ट प्रोमिनेंटली जी। और मुझे लगता है पेरेंट्स को बच्चों को समझकर जिन हाँ। जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है वो करियर परस्यू करने के लिए भी उनको मोटिवेट समझने की जरूरत है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मल टू मी। If I am trying to explore, it is fine. But if my parents are concerned about me, they are concerned of my safety. They are concerned about my future. तो ये मिलजुल कर ही अगर आप साथ चलेंगे तभी एडजस्टेड हो सकता है। एडजस्टमेंट इज नॉट वन वे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट जरूरी है। और इसी तरह से हमारे एडजस्टमेंट की जो थ्योरी आज हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, आगे भी हम इसी तरह के विषय लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दर्शकों, जाने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, अगर आपको लगता है कोई भी सुझाव, शिकायतें या आपके सवाल इस कार्यक्रम को लेकर हैं तो हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी और हमारे फोन नंबर्स के द्वारा। फोन नंबर्स और ईमेल आईडी आपको कार्यक्रम के अंत में हमारी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उन्हें नोट करना मत भूलिएगा और कॉल करना मत भूलिएगा। किशोर मंच से जुड़े रहिए। फिलहाल शालिनी सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।